आपको एक ऐसे सेशन पर लेकर जा रहा हूं, आप में से कितने लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं 10 गुना? वैसे तो सुबह से अभी तक काफी बढ़ चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बढ़ा कि नहीं? 10 गुना बढ़ चुका है, तो अब ये 100 गुना होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे से बात करते हैं, जब भी मैं कहता हूं आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, आप YouTube पर क्यों नहीं हो, Instagram पर क्यों नहीं हो। हाँ सर, करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। ये करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, वीडियो नहीं बना आज तक। वजह क्या है? कॉन्फिडेंस। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। योगेश, वो प्रिंट आउट थे कुछ राकेश के पास, पूछो है क्या? प्रिंट आउट है ना, ठीक है, लास्ट में देने हैं, वो बांट दो, पहले अपने वॉलेंटियर्स को दे दो, लास्ट में देने। ओके, सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? बहुत धीरे आवाज आ रही है यार। पकोड़े कम खाए क्या? पकोड़े मिले ही नहीं, खत्म हो गए थे? अच्छा किया, आप आपको वजन कम करने की जरूरत है। गुड, ओके, एनी हाउ फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौज मस्ती में अगर सीखने का प्रोग्राम चलता रहे तो कितना मजा आता है। मैं इस पर पूरी रिसर्च कर रहा हूं, एडुटेनमेंट। मैं सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, मैं एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करके लगाता हूं तड़का, ताकि आप दिन में 12 घंटे 16 घंटे भी बैठेंगे आपको थकान नहीं होगी। और आप में से कितने लोग ट्रेनर और कोच बनना चाहते हैं? कभी भी बोरिंग ट्रेनिंग मत देना, बोरिंग से बोरिंग ट्रेनिंग भी हो, बीच बीच में कुछ ना कुछ ह्यूमर डालना जरूरी है। ह्यूमर, आपने देखा मैं आपको हंसाता हूं बीच बीच में, इसलिए क्योंकि इतनी देर सुनना और कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं है। पूरा पूरा दिन बैठ के ट्रेनिंग लेना आम बात नहीं है। आप बैठे हो लेकिन दिमाग सो जाता है, सो आपके दिमाग को वापस जगाने के लिए बीच बीच में ह्यूमर डालना जरूरी है। मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। सो आइए, अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं, अगर मेरा रिमोट काम करेगा तो। पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा। प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा हूं, स्टैंड टॉल, सीधे खड़े होना है। मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल, प्रैक्टिस पावर पोजेस सच एज स्टैंडिंग विद योर हैंड्स ऑन योर हिप्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अलग अलग पावर पोजेस हैं जो कि मैं कल आपको कुछ सिखाऊंगा, कल मैं आपको कुछ पावर पोजेस सिखाऊंगा। कल बॉडी लैंग्वेज का कंप्लीट सेशन है, सो आज मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लेना चाहूंगा। आप में से कौन व्यक्ति सामने आएगा, मुझे बात करनी है किसी से? आई गए, सीधा ही आ गए। ये देखो भाई साहब, कर्नाटका से आ रहे हैं ये चलते चलते। आजी आजी आजी, खड़े हो जाइए सर, इधर आजी। So, दोस्तों, ये महेंद्र जी हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अब तो ये मतलब हमारे परिवार का एक ऐसा सदस्य। इस बार इनका प्लान नहीं था आने का, बट मैंने एक जूम मीटिंग में बोला महेंद्र जी आपको तो आना ही पड़ेगा, उसी रात को टिकट बुक करा दी इन्होंने। एम आई राइट सर? आपने बोला, आपके कहने पे आए हैं ये, मेरे कहने पे नहीं आए। नहीं नहीं, आपके कहने पे आए। ओके, चलिए, गुड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? सो आप 4 लोग यहां पर आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इधर आ जाएं चारों। आजिए सर, आजिए। आपको सिर्फ चलना है वहां तक, वहां से घूम के यहां पर आके खड़ा होना है, और आपने नोटिस करना है कि ये कैसे चल रहे हैं। हां जी, किया कुछ समझ में आया? नहीं, सेम है। सबसे पहले भाई साहब आप इधर आ जाओ, भाई साहब राजू प्रजापति जी हो ना आप, मुझे तो सबके नाम याद है।
दोस्तों ये इतने अच्छे हमारे मित्र हैं, आप उसमें हो ना इंडियन रेलवेज में, आप इंडियन रेलवेज में हैं, कभी भी आपको टिकट ना मिले, कभी भी आप कहीं भी फंस जाए, ट्रेन की टिकट कहीं कंफर्म ना हो रही हो, इनको बिल्कुल फोन कभी भी मत करना, सारे खुश हो गए। अरे कहाँ कहाँ से करवाएंगे ये, इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये पायलट है, आप पायलट है ना? नहीं, हाँ, CCI हूँ, एयर कंडीशनर कोचिंग।